बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन टुडेज सेशन। दैट सेशन इज ऑन ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ कंसल्टेंट सर्विस प्रोसेस व्हिच विल बी डिलीवर्ड बाय आवर वेरी सीनियर एंड रिस्पेक्टेबल पर्सन मिस्टर मंसूर अली। ही इज हेड ऑफ वाटर एंड एग्रीकल्चर डिवीजन। He has done BSc Civil Engineering and MSc Water Resources Engineering from UET Lahore and LLB from Houdin Zakia University. His overall experience is about 30 years and he is working with NESPAC Mashallah since 1993. His specialized fields are project contract management of water resource infrastructure development project, dams, barrages, irrigation, drainage and business promotion. So let's start the formal session, and I without any further delay I request Mr. Mansoor sir to please sir proceed the session. After completing your intro, thank you very much our HR department for conducting this webinar. Everybody's now hearing me? सर एक्चुअली हमने सबके आवाज जो है वो म्यूट की होती है। अगर किसी को होगा हमें टेक्स्ट कर देगा, मैसेज हमें इनबॉक्स कर देगा, आप प्लीज प्रोसीड करें। जी ठीक हो गया। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज आवर टॉपिक इज द ओवरव्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ऑफ आवर कंसल्टेंसी सर्विसेज। एक्चुअली अगर ये इसको अगर हम आसान लफ्जों में इसमें कहें, बुनियादी तौर पे ये था, अगर इसका अल्टरनेटिव है वो ज़्यादा दैट इज़ मोर अट्रैक्टिव कि दी इंग्रेडिएंट ऑफ ए विनिंग प्रपोजल क्या हो सकते हैं, या और कह सकें हाउ टू प्रिपेयर ए विनिंग प्रपोजल, दैट इज़ ए मोर रेलेवेंट फॉर आवर वर्क। बुनियादी तौर पे जो हम NESPAC इज ए कंसल्टेंसी फर्म, और वो कंसल्टेंसी को जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के ऊपर हमें कंसल्टेंसी के बिजनेस को एक्वायर करने के लिए जो हमारा प्रोसेस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी हेयर जस्ट टू नो के ये प्रोसेस क्या है, इसके अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स क्या हैं, हमें किस किस मौके के ऊपर क्या क्या ड्यू डेलीजेंस करनी चाहिए ताकि हम मोर कम्पिटिटिवली इस जो बिजनेस जो है उसको एक्विजिशन कर सकें। आवर कंसल्टेंसी बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में है। एक तो फर्स्ट पार्ट इज अ जॉब एक्विजिशन, कि हमने अपनी जिस जॉब को एक्वायर कैसे करना है। द सेकेंड इज आफ्टर एक्वायरिंग दैट वन इज द जॉब एकम्पलिशमेंट। सो जॉब एक्विजिशन ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत पुरानी सी बात है कि हमें NESPAC को सिंगल सोर्स के ऊपर मिल जाता था। नाउ मेरे ख्याल है NESPAC भी आम जो दूसरी कंपनियों की तरह कम्पीट करती है, और जो ड्यू जो कंपटीशन का जो प्रोसेस है उसी के थ्रू ही हमें जॉब अलाट हो रहते हैं, या जॉब का जो एक एक्विजिशन का जो प्रोसेस है उसी में हम लाइक अदर पार्टनरशिप। ऑल्दो द स्टेटस ऑफ NESPAC इज ए पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, but under that umbrella is also registered under SCCP as a private limited company. तो जो मैंने अभी गुजारिश की कि जॉब एक्विजिशन के लिए हमें उसी ही प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है जो कि एक आम प्राइवेट कंपनियाँ जो है ना कम्पीट कर रही हैं। तो ये हमारी जो कंसल्टेंसीज का प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है उसके ऊपर मैंने जैसे बात की। बुनियादी तौर पर जब हम अपने जो हम सर्विसेज या जो सेक्टर है हमारा उसको हम देखते हैं कि तो उसमें दो तरह से हैं। एक तो वो जॉब्स हैं जो PSDP पब्लिक सेक्टर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, यानी गवर्नमेंट के लोकल फाइनेंसिंग से जो हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को हैंडलिंग कर रही है या एग्जीक्यूट कर रही है, तो और ये दूसरे हैं वो फॉरेन फंडिंग के थ्रू हैं, फॉरेन फंडिंग लाइक वर्ल्ड बैंक, ADB या और कोई डोनर एजेंसीज हैं। तो जो हमारे नॉर्मली जब उसमें जो रूल्स वगैरह का अगर एप्लीकेशन फॉर दिस जॉब एक्विजिशन या ये प्रपोजल का या जो कंसल्टेंसी के बिजनेस को जो कंट्रोलिंग वो है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल
और दूसरा जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके जो रूल्स हैं वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं कि जी ये रूल्स क्या हैं और इसको गवर्निंग होते हैं। इसी तरह जब हम अंडर सम फंडिंग एजेंसी काम कर रहे होते हैं तो इसमें मेजर पोर्शन लाइक 90, 92, 93 विच एवर इज द फिर लोन एग्रीमेंट का इसके अंदर आ जाता है कि किस कितना शेयर वो इसमें मतलब जीओपी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का होगा, कितना शेयर जो है वो फंडिंग एजेंसी इसको बेयर करेंगी, तो उस हिसाब से फिर उसके आपस में जो वो हो जाते हैं कि शेयरिंग के हिसाब से। बट इन दैट केस अगर हमारा जो फंडिंग प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर जो रूल्स ऑफ द जो वो प्रोक्योरमेंट एजेंसी वो फॉलो करेंगे एंड वी हैव टू सी ऑल द गाइडलाइंस जो उनके ऊपर प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस बनी हुई हैं, जो उस प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस को हर स्टेप्स के ऊपर फॉलो करना पड़ता है और उनको फुलफिल करना पड़ते हैं चीज़ों को, अदरवाइज वो इस प्रोक्योरमेंट के ऊपर नहीं कर रहे। ये एक हमारा थोड़ा सा स्क्रीन को अगर मिसियर नजर आ रही है इसमें थोड़ी सर स्लाइड अगर फुल स्क्रीन हो जाए तो प्लीज क्योंकि शॉर्ट है इसका कुछ क्लियर नहीं आ रही है ये आई थिंक F9 प्रेस करेंगे तो शायद उसका हो जाएगा F5 यस में दो हो रही है तो आपकी स्क्रीन भी हो रही है। अच्छा बुनियादी तौर पे मैं इसको थोड़ा सा जरा इसके साथ ही मतलब ये आई विल शेयर द कॉपी ऑफ दिस टू यू एज वेल एज यू कैन ट्रांसमिट इट टू द ऑल द पार्टिसिपेंट्स। तो इसमें जस्ट आई कैन जस्ट हैव एन थ्रू द वर्बल या ओरली हम इसके साथ शेयर करते हैं तो वो उस पर समझ आ जाएगी कि ये ओवरऑल हमारा जो फ्लो चार्ट वो कैसे था। तो बुनियादी तौर पर ये हमारा जो कंसल्टेंसी का या प्रपोजल का या जॉब एक्विजिशन जिसको हम कह रहे हैं ये थ्री स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। फर्स्ट स्टेप जिसको हम कहते हैं ईओआई या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसका वो फेज वन होता है। दूसरा स्टेप्स जिसके अंदर वो फिर आरएफपी या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल उसमें आ रही है। तीसरा ये रहता है कि जब इस स्टेज को भी कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का ये वाला फेज आता है। अगर कुछ पार्टिसिपेंट ने अगर जिनमें कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर काम किया हुआ तो दे विल नो कि उसका जो पहला मरहला प्री क्वालिफिकेशन होता है उसी का जो ये हम वजन कह लें या इसी के सेम वेट के ऊपर इसको कहते हैं ईओआई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या शॉर्ट लिस्टिंग या प्री क्वालिफाइंग ऑफ द कंसल्टेंट। तो ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप के इस में जब हमारा आते कि ये पहला मरहला हमारा वो क्या होना चाहिए तो उसमें वो जो स्टेप्स हैं वेरियस हर एडली के भी जाहिर है जो इदारा डिपार्टमेंट एक कंसल्टेंसी को हायर करना चाहता है तो वो पहले एक अपना ये ईओआई का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का वो जनरेट करेगा और फिर देन वेरियस स्टेप्स हैं वी विल सी जब हम आगे चलेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ईच एंड एवरी स्टेप्स के भी इसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो वो उसके तहत फिर हम उसकी डिटेलिंग के ऊपर भी बात करेंगे। जब वो ये स्टेज के अंदर वेरियस स्टेप्स या वेरियस मतलब डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है ये उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए वो क्या रिक्वायरमेंट है कि ये पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस ज्योग्राफिकल एक्सपीरियंस रेलेवेंट एक्सपीरियंस और वो नंबर्स ऑफ रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स का भी आता है कि ये कम से कम जो कंसल्टेंट हैं उन्होंने इतने जो रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो किए होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3 हैं 4 हैं विच एवर द केस जो वो क्राइटेरिया उन्होंने बनाया होता है उसी क्राइटेरिया को लेकर वो उसमें करने चाहिए। फिर जब ये आफ्टर कंडक्टिंग दिस प्रोसेस ईओआई का प्रोसेस जब मुकम्मल होता है तो आउट ऑफ द एप्लीकेंट फॉर एग्जांपल अगर 8 एप्लीकेंट्स थे तो उन्होंने अपनी एवेल्यूशन के बाद वो कहते हैं जी जो
हमारी रिक्वायरमेंट को नीड को पूरा करने के लिए ये जो या इसको जो हमारा शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो चार हुए हैं, तो देन सिर्फ शॉर्टलिस्टेड को ही आरएफपी इशू हो जाती है, आरएफपी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जाहिर है ये एक पूरा एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर तमाम तरह की गाइडलाइन दी होती है कि जी इसमें कंसल्टेंट के जनरल कंडीशंस क्या हैं, फिर भी डेटा शीट जो पर्टिकुलरली जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसकी क्या डेटा शीट्स होती हैं, एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं टीओआर ना, टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, बहुत जरूरी बात है कि ये जो ओवरऑल क्लाइंट है इसने जो ये कंडक्ट करनी है तो वो क्या स्कोप क्या होगा, जाहिर बात है उसके तहत फिर वो जो वेरियस प्रोविजंस मौजूद हैं उसके ऊपर बात आती है कि जी ओवरऑल इसके अंदर इसको कंडक्ट करने के लिए क्या प्रोविजंस मौजूद हैं, टीम कंपोजिशन का जाहिर है और उसके अंदर टीम में उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, और देन फॉलोड बाय वेरियस टैक्स हैं, टैक वन टैक टू, दैट इज अ डिवीजन ऑफ ए आरएफपी, और वो इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड कि हम जो शॉर्टलिस्टेड फॉर्म है उन टैक्स को उनकी जो रिक्वायर्ड फॉर्मेशन के मुताबिक फिल अप करके फॉलोड बाय ऑल नेसेसरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ मिलाकर इसके दो पोर्शन में आ जाते हैं, एक को कहते हैं टेक्निकल प्रपोजल और दूसरा फाइनेंशियल प्रपोजल ना, क्योंकि ये फिर आगे इसके में फिर उसके हम आएंगे कि ये मुख्तलिफ क्या टाइप्स होती हैं, क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन है या QCBS है या कैसे, तब तो नाउ फिर जब उसमें सिलेक्शन हो जाती है तो देन वी कम अप ए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के तौर पर। ये एक ओवरऑल एक समरी ऑफ ऑल दीज थिंग्स। नाउ वी विल फॉलो के जी हमने अब इसके ऊपर हमारा और कोशिश करते हैं कि ये जो मैंने कहा कि इस सारे अमल को हम नेस्पाक में एक तो ये कि जनरलाइज फॉर्म में कि जनरलाइज इंफॉर्मेशन है वो था, लेकिन जब व्हेन कम अप टू आवर सिस्टम तो उस हमारे सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है और सिस्टम में हमें किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है पर्टिकुलरली विद इन द नेस्पाक। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट a topic with reference to our working here in NESPAC, यहाँ पर हमारी इस NESPAC में ये चीज़ों को कैसे adopt किया जा रहा है। ये एक just था कि जी अभी जैसे तस्करा किया प्रोसीजर क्या है कि ये एक एडवर्टाइजमेंट के जरिए हमें पता चलता है कि जी एक वो है, उसके बाद वो प्री क्वालिफिकेशन कह लें या EOI कह लें, फिर हमारे मेथड्स क्या होते हैं जो जाहिर है दैट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट की तरफ से आती है कि ये किस मेथड के तहत, मैंने कहा था ये वो आगे मेथड को जिक्र करेंगे जो हमारे वेरियस मेथड है क्वालिटी बेस्ड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द असाइनमेंट। अगर असाइनमेंट्स कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल बेस्ड है तो ऑब्वियसली वो एक आम फेम में आम कंसल्टेंट का रूटीन मैटर नहीं होता, तो इसलिए उसको मतलब करने के लिए कि ये शॉर्ट लिस्ट कह लें कि क्वालिटी बेस्ड हम उसको कहते हैं कि दैट इज मेनली एम्फेसाइज इज ऑन द क्वालिटी, इट्स नॉट दैट द कॉस्ट इज नॉट द मेजर कंपोनेंट, नाउ क्वालिटी ऑफ द कंसल्टेंट इज दैट। ये बात हमें मेरे ख्याल है इसको समझनी चाहिए कि NESPAC जो हमारा इदारा है इसका सारा हमारा जो फोकस है ह्यूमन स्किल्ड बेस्ड है, यानी इफ ए पर्सन और द स्टाफ इज कॉम्पिटेंट इनफ हैविंग रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ द एजुकेशन एज वेल एज एक्सपीरियंस तो ही कैन प्रोवाइड दैट रिक्वायर्ड सर्विसेज, otherwise not. That is the basic theme for all our NESPAC ka jo hamara theme hai jo hamare jo requirement hai ye uske तहत ही हमारा वो है। इसमें फिर जैसे हम थोड़ा सा आगे चलें तो मैं बताया था कि वो EOI कह लें या प्री क्वालिफिकेशन इसमें कह लें तो उसका वेरियस जो हमारा दरकार था कि जी हेयर हमने जो इवन फंडिंग एजेंसीज का भी करते हैं तो थोड़ा सा जो लोकल रूल्स हैं PEC हमारा जो गवर्निंग बॉडी है
फॉर इंजीनियरिंग प्रोफेशन, इंजीनियरिंग जो उसका एक रेगुलेटरी इदारा है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, तो ऑब्वियसली जो कंसल्टेंट है दैट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के तहत, वो होना चाहिए उसके साथ। फिर वो हम वो दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर द स्टडी के साथ, कैसी रिक्वायरमेंट है उसकी, कितना साइज का वो होना चाहिए, ये दैट ये पर्टिकुलरली उसके तहत है कि हमारे दो दो प्रोजेक्ट्स का कहते हैं, तीन का है, चार का है, जो जो एक हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी हमने फिर उसके तहत हम इसको वो फुलफिल करते हैं और वो क्लाइंट के साथ हमारी जमा करवा देते हैं। तो यहाँ हमारे पास अब सिस्टम, अगर हम अपना नेस्पा के सिस्टम में देखें, वन थिंग इज हमारा जो बिजनेस डेवलपमेंट बीडीडी डिवीजन है, नाउ फॉर फर्स्ट जो लेवल ऑफ द जो इंफॉर्मेशन जो जनरेट होती है वो बीडीडी है। नॉर्मली जैसे ही कोई एक अपॉर्चुनिटी आती है फ्रॉम द लोकल न्यूज़पेपर और फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो हेयर इन नेस्पाक our business development division is the first now generating that activity, और वो फिर उसमें देखते हैं कि उसके टाइटल से, उसके नेचर ऑफ जॉब से, कि मुख्तलिफ हमारे जो डिवीजन्स हैं उसको वो फिर मार्क कर देते हैं। नाउ दैट इज द फर्स्ट स्टेप, ये नंबर वन इज इंफॉर्मेशन इन द जनरल मीडिया और न्यूज़पेपर और वेबसाइट, विच एवर द केस में भी our business development division approaches to that one, और वहाँ से जो उसकी क्लिपिंग है या उसके साथ था वो हमारा एक परफॉर्मा एक डेवलप हुआ हुआ है, उसके तहत वो हमारे रेलेवेंट डिवीजन को वो हमें मार्क कर दिया जाता है। अब उस ये मैं थोड़ा सा ये ओवरऑल में छोटा सा एक जस्ट एज ए सैंपल के तौर पे मैंने बताया कि ये एज सच दिस इज़ द वे ये न्यूज़पेपर की हमारी क्लिपिंग आई, और न्यूज़पेपर की क्लिपिंग के बाद ये हमारा जो बिजनेस बीडीडी है उन्होंने फिर हमें मार्क कर दिया। अच्छा, देयर इज़ ऑलवेज अपॉर्चुनिटी कि बाज़ुकात कोई ऐसा एरिया है, ख़ास तौर पर आई एम टॉकिंग अबाउट जोग्राफिकली आउटसाइड द कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, या इनसाइड द कंट्री में हमारा एज सच रेलेवेंसी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो दो डिवीजन से रिलेटेड हैं और मैं समझता हूँ कि ये मेनली जो इसका मेन डोमेन है वो फॉर द पावर एंड मैकेनिकल है, तो देन आई कैन से दैट ओके मेरे ख्याल है इसका जो मेजर पोर्शन है that should be handled by power and mechanical division, so I will refer back with no and with the reason that okay, that since major scope of work for this consultancy related to that power and mechanical, so that should be relevant, otherwise okay yes I am according to that performa, I am just saying that okay, confirmation from the relevant division, for example my division W&A division, that upon receipt of the any information, any invitation of the business opportunity, so we will say okay yes we are ready just to respond to that one, and in ye hamare jo system mein ये फिर जनरेट हो जाता है कि जी ठीक है, ये एक टाइटल ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी है और यस W&A इज रेडी जस्ट टू प्रोसीड विद दिस एग्रीमेंट असाइनमेंट अदर थिंग्स। इसके बाद अगर हम मतलब आते हैं तो अगला जो मरहला आते हैं वो जैसे अभी मैंने कहा कि हमने देखने के, अब ओवरऑल हम अपना सिस्टम को भी थोड़ा देख लें कि हमें ये स्टेप्स को भी सिस्टमेटिकली देखना चाहिए कि हम के कैसे था। जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आए सबसे पहले हम डिवीजन में कोई हम एक कमेटी बना दी जाए, और उस कमेटी जिस तरह हमारे में अपने डिवीजन का क्या है, हमारे थ्री मेंबर कमेटी है हेडेड बाय डिवीजनल हेड,
उसके अंदर हम ये देखते हैं, जैसे कि अपॉर्चुनिटी आई उसको हमने देखा, उसके स्कोप को देखा। फिर अगला मरहला आता है कि हम ये सोचें कि क्या इज देयर नीड फॉर ए जॉइंट वेंचर और नॉट, क्या हम इस असाइनमेंट को सिंगल हैंडेडली ले सकते हैं, लेना चाहिए या क्या। समटाइम्स अब अगर हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट वेंचर, ये फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट वेंचर हम करते क्यों हैं, इसलिए है, पर्पस क्या है इसका, इसके दो ब्रॉडरली अगर हम देखें तो दो पर्पसेस अगर समझ में आते हैं। नंबर एक द रिसोर्स शेयरिंग है कि मेरे हम अपने रिसोर्सेज को शेयर कर लेते हैं। कुछ जाहिर बात है मेरे देखता हूँ कि अगर कुछ एक्सपर्टीज मेरे पास नहीं है तो आई कैन जॉइन हैंड विद दैट फॉर्म, आई एम अवेयर ऑफ द कंसल्टेंसी एनवायरनमेंट, मुझे कंसल्टेंसी एनवायरनमेंट का यहाँ पता है कि किस किस कंपनी की यहाँ पर कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सी कंपनी इसके अंदर किस शोबे के अंदर वो है। ऑब्वियसली दिस वाज हैपेंड ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर, हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं तो हमें फिर इस बात का अंदाज़ा होता है कि हर कंपनी की जो मेन स्ट्रेंथ क्या है और मेन हमारा जो एरिया उसमें कैसे था। तो नाउ फर्स्ट स्टेप, जैसे ही हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिली और हमने ये चीज़ देखा कि ओके वी आर रेडी टू टेक पार्ट इन दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट, यस, नेक्स्ट स्टेप इज के टू डिसाइड वेदर वी विल गो टू कंडक्ट दिस असाइनमेंट सोलली on sole basis, okay, I have every resources here in my company, I have an ample staff, qualified staff just to conduct this assignment, numbers as well as experience and education, okay. Then hum kehte hain ji theek hai ji, there is no need for a joint venture, okay. To yahi pe ye silsila hamara finish ho jata hai ki ji humne ye faisla kar liya, after receiving the we will not go for any joint venture. Step 2 mein hamara aata hai ki nahi bazukat acha ye aa jati hai kuch jis tarah wo cases bazukat hote hain most of the time funding agencies ke jo hamare projects hain that is funded by some funding agencies, so the wo unki require hoti hai ki international jo hai na wo team ya international staff bhi iske andar maujood, yani that is jo unki composition of the team is broadly divided into an international team or staff as well as ए लोकल स्टाफ। ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल स्टाफ होगा वो उसकी इनपुट्स ऑब्वियसली सम एक्सपर्ट लेवल की या मतलब हो रही होती है जैसे था, बाकी जो मोस्ट ऑफ द स्टाफ अंडर द नेशनल स्टाफ में आ जाती है। तो इन दैट केस ऑब्वियसली वो हमारी फिर मजबूरी होती है कि हम वी हैव टू ज्वाइन हैंड विद सम ऑफ द फॉरेन फर्म्स। यस, ओवर ए पीरियड ये भी एक डेटाबेस है कि हम अपने जो डिवीजन में एक छोटा सा डेटाबेस बना लें रिगार्डिंग आवर एक्सपीरियंस विद लोकल एज वेल एज फॉरेन फॉर्म्स, कि ओवर हमारे पास ये हम एक डेटाबेस होना चाहिए कि ये जो हिस्ट्री बताए या हम हमारा एक फाइल के तहत की थी ओके इस कंसल्टेंट के साथ हुआ था तो ये हमें थोड़े से एक्सपीरियंसेस उनके साथ अच्छे नहीं आया तो वी शुड नॉट जॉइन हैंड इन फ्यूचर फॉर दिस कंपनी। तो ये एक तरह से इसमें सॉरी हमारे पास एक डेटाबेस हो जाएगा। इसी तरह जब हम फॉरेन फॉर्म्स के साथ तो काम करके और फॉरेन फॉर्म्स में हमारा अपना जो वो हो तो उनका भी एक हमारे पास पूरा एक डेटाबेस हमारी डिवीजन के अंदर हो कि यस वी हैव दिस लिस्ट ऑफ कंपनी विद दिस थिंग, और कि उनके साथ हमारा अच्छी रही है,
फॉर्म के साथ जाहिर है एक और फायदा भी होता है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या जो हमारे दरमियान जो ये है ऑब्वियसली व्हेन जब इंटरनेशनल कंपनी के साथ आप काम करते हैं हमारा स्टाफ काम करता है तो इससे हमारे स्टाफ के भी सीखने का और उस एनवायरनमेंट में जाहिर है जो जिसमें इंटरनेशनल स्टाफ ने काम किया हो या उनकी जो स्किल्स हैं वो भी एक तरह से शेयरिंग हो जाती हैं ताकि इन फ्यूचर उनके जो सिस्टम्स या उनकी जो मुख्तलिफ लेवल ऑफ एक्सपर्टीज हैं वो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग आवर स्टाफ एज वेल एज द थिंग्स सो इट इज आल्सो ए रिक्वायरमेंट प्राइमरीली by the document that our team composition just having international staff as well as local staff so, that is the thing now the other thing is that after joining hand with the foreign firms so there is a opportunity for my staff just to having this international transfer of technology or the things उसके साथ काम करने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ये बार तो ये मैंने स्क्रीन के ऊपर ये जब हम इस चीज को हो गया अच्छा तो मैं कह रहा था कि जी जो फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट वेंचर उसको क्यों मैं कर रहा हूँ नंबर एक मैंने कहा कि रिसोर्स शेयरिंग है और ये मेरे रिसोर्स की शेयरिंग हो जाती है दूसरा जो है वो दैट इज आल्सो हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए दैट इज आल्सो ए कॉल्ड रिस्क शेयरिंग तो इसको एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हम जब देखते हैं कि जी नंबर पूल है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क की शेयरिंग भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि चलें जब हम व्हेन वी हैव अ जॉइंट हैंड विद सम अदर कंपनी तो उसी हवाले से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्क जो है इन कंडक्टिंग दैट वन वो भी एक तरह से आता है ये तीसरा एक और आता है वो खासतौर के अगर हम देखें NHN जो हमारा मुल्क में है नेशनल हाईवे अथॉरिटी उन्होंने ये एक तरह से को हाईलाइट किया और दैट इज मेरे ख्याल में इसको भी होना चाहिए कि जो बिल्कुल छोटी फॉर्म्स हैं उनकी ग्रोथ और उनमें भी हो ताकि वो देयर अपॉर्चुनिटी के जी अगर कोई एक स्पेशलिटी की फॉर्म है और वो उसके पास वो खास है तो NHA इस चीज को इनकरेज करता है ऑलवेज और वो उन्होंने एक कुछ नंबर्स जो है ना वो मार्जिन के वो उसको एलोकेट किए हुए हैं कि अगर आपने इस जो इमर्जिंग या नई या छोटी जो कंसल्टेंसी फॉर्म्स हैं उनको अगर आपने साथ मिलाया है तो उसके साथ एसोसिएटेड फॉर एग्जांपल 5 नंबर हम आपको इस चीज के इस मद में दिए जाएंगे Anyhow, जो ये firstly after convincing ourselves within our division or the system that okay we are going for the formation of a joint venture तो इसके पास मेरे पास उसके reason होने चाहिए कि हम किन फर्मों के साथ जा रहे हैं आपस में हमारी जो business composition होगी वो क्या होगी obviously मैं NESPA एक primary consulting company है एक लार्ज कंसल्टेंसी हाउस हमारा है इतने नंबर्स ऑफ स्पेशलिटीज एज वेल एज नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स अंडर वन कंपनी मेरा पूरे मुल्क में कोई ऐसे कंपनी नहीं है जिसके जो इतनी एक्सपर्टीज में डील करती है और हैविंग सो मच क्वालिफाइड एज वेल एज एक्सपीरियंस स्टाफ तो लीड ऑब्वियसली NESPA ने ली अगर इंटरनेशनल स्टाफ है तो उसका वो आ गया फिर हमने जिस तरह एक तरह जो कंपनियों ने हमें आपस में वो किया और देर ये थोड़ा सा जरा इसमें जो डिवीजन या जो कमेटी या डिवीजन की कमेटी इस चीज़ का फैसला कर रही है या इस चीज़ को रिव्यू कर रही है कि और इस चीज़ में कन्विंस है कि यस देर शुड बी जॉइंट वेंचर फॉर्मेशन तो उसमें ये ड्यू डेलीजेंस और उसके ऊपर प्रॉपर केयर ज़रूर की जाए कि नंबर वन कि हम व्हाई वी आर गोइंग टू जॉइन हैंड विद दिस कंपनी दिस पर्टिकुलर कंपनी यस बिकॉज ये एक वी आर गोइंग फॉर ए विनिंग कॉम्बिनेशन ये हमें थोड़ा सा ज़रा सोचना चाहिए कि अब ये सारे जो एक्सरसाइज है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दैट एक्सरसाइज ये हम क्यों करने जा रहे हैं
ये मैंने कहा कि जी हम हमारा जो वो आ गया रिसोर्स शेयरिंग आ गया रिस्क शेयरिंग आ गया, बट अगेन ये सारा अमल एक विनिंग के लिए भी तो जा रहा है कि हमारा कॉम्बिनेशन भी तो ऐसा हो। अब इसलिए एक कंपनी को मैं मिला लूँ, एक तो ये दोनों अमल तो मेरे साथ हो जाएंगे, मुझे एक कंपिटिटर भी तो मेरा काम हो जाता है। तो यस दिस इज एन अनदर पॉजिटिव थिंग दैट ओके बाय ज्वाइनिंग हैंड विद द कंपनी देयर इज अ लेस कंपटीशन, अदरवाइज वो दूसरे ग्रुप का हिस्सा बनेगा नंबर। तो विद ऑल दिस थिंग वी विल जस्ट फिल इन दिस परफॉर्मा फॉर शेयरिंग विद माई मैनेजमेंट, मेरी मैनेजमेंट को शेयरिंग करने के लिए जो है ना मैंने परफॉर्मा बनाया, और फिर विल कम अप दैट परफॉर्मा, और उसमें हमारी एक स्पार्क के जो सिस्टम है इसमें ये दो एनी ऑफ द सीनियर जो हमारे मेंबर्स ऑफ अवर अदर डिवीजंस हैं वो उसको एंडोर्स कर देते हैं कि भी हाँ ओके यू आर आर्गुमेंट्स फॉर ज्वाइनिंग हैंड विद दिस कंपनीज आर ओके क्वाइट सॉलिड एनफ, ओके वी आर विद यू एंड जस्ट एंडोर्सिंग दैट कंपोजिशन फॉर ए ज्वाइंट वेंचर। Then finally our top was managing director of our company. Yes, he is just if he requires some more clarification, then any representative of the company or division head just go to see him his office for clarification for giving argument why we have this. Joint venture with this firm with this percentage or the things okay all जब ये हमारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है और हमने अब जॉइंट वेंचर कर लिया है, जॉइंट वेंचर ने हमारा वो इसमें हमारा हो गया कि ये थे, देन वी जस्ट कंप्लीटिंग ऑफ जस्ट थिंक कि ये हमने ईओआई का जो है ना मतलब वो आ गए ना हमने उसका सबमिशन का प्रोसेस में हम आ गए। That is an internal. अभी मैंने बताया कि ये ओवरऑल था, अब एक्चुअली इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। अब मेरे पास आ गई अपॉर्चुनिटी आई नंबर दो, उसके बाद ये फैसला हुआ कि ये जॉइंट वेंचर में होऊंगा या जॉइंट वेंचर की क्या फॉर्मेशन होगी ये मेरा कंप्लीट हो गया, ये मेरी अप्रूवल अब आ गई। और इसके बाद ये आगे की थी हमने इसके मुकम्मल करना है और इसके साथ अब कैसे जाना है ना, ये स्टेप्स में मैंने इसको प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। ऑब्वियसली हर हर डिवीजन ने एक सेक्शन जिसना एक प्रपोजल सेक्शन कह लें या सम ऑफ द आवर स्टाफ दैट इज पर्टिकुलरली ईयर मार्क फॉर दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट और एक्सरसाइज। ऑब्वियसली मेरे ख्याल है इस चीज़ को हमें केयर करना चाहिए कि हमारा एक जो स्टाफ है वो इसमें एक ट्यून्ड हो, ऐसा ना हो कि हर दफा कुछ ये भी हो रहा होता है कि जी ये कुछ स्टाफ हुआ कहीं से फारिग होकर या कुछ सरप्लस या कुछ असाइनमेंट से यहाँ आया, उन्होंने कह दिए अच्छा जी अब ये तो स्टाफ है आप यूँ करें इसको आप प्रपोजल में निकालें। मेरे ख्याल में इस चीज को हमें वेरी मच केयर अबाउट दैट थिंग के नंबर एक के हमारा जो स्टाफ शुड वर्क डेडिकेटेडली फॉर दिस प्रपोजल, मिडल कैरियर का स्टाफ जो है हो सकता है, जाहिर बात है जब हम इस चीज को कंडक्ट करें कि ये दैट स्टाफ शुड हैव एन कैपेबिलिटी और कैपेसिटी फॉर दिस थिंग, so we just having all these things that those staff should be quite competent enough just to deliver all the responsibility that is required for a good proposal preparation or proposal things. Okay, I will share with all these details of this thing that इस कदर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का हमारा नजर आ रहा है। I will share all these things and
this yes 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 no is having you some more clarity I think this thing so I'm just talking about within the things that okay that staff are responsible for preparation of the proposal that should be number is it's not a frequently changed na ho uske andar ke bhi to just waiting for posting staff hai hum usko isme laga de no that should not be the things kyunki ye section hai hum is section ki iski working ki jo ahmiyat hai importance hai usko samajhna hoga कि इसको अगर हमने इस तरह मेकशिफ्ट के तौर पे लिया इसको अगर हमने ड्यू कंसीडरेशन और इसके ऊपर ड्यू हमने इसका वो ना किया तो दैट मींस के जो अल्टीमेटली दैट ऑल प्रोसेस विल लीड टू जॉब एक्विजिशन तो रिजल्ट क्या होगा वो जॉब एक्वायरिंग में we will just lose those jobs or wo frequency mein fir obviously ye maine pehle kaha ke it's a wrong perception ki Nespaq being a public sector company now they are acquiring the job on single source basis no not at all this is a very wrong perception we have to follow each and every step competitively for job acquisition aur usse mein hame bhi usi tarah hi with care with all competitiveness jana padta hai jaise koi ek private company ke taur pe karna padta hai it's not that thing ke bhi ex gratia ya hame jo hai wo yes for some assignment that is I must say that assignment some classified assignments hain jo hamare kuch sensitivity departments hain unki sensitivity ke peshe nazar wo usme hum wo risk nahi le sakte ke usme kai factors hote hain so yes for those assignments we have been awarded some single source basis but that is that assignments is not a mega or a large size enough just to support the running of my division or my overall a company so is cheez mein ab aaya ki hame har cheez ab jis tarah main is thoda suggest karunga ki एवरीथिंग आजकल जो टेक्नोलॉजी का वर्ड में इस्तेमाल हो रहे हैं स्मार्ट दैट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड अब हर चीज को अगर हम देखें तो वो स्मार्ट से ही स्टार्ट होती है स्मार्टफोन आ गए हैं स्मार्ट लॉकडाउन आ गए हैं स्मार्ट एक्शंस हैं स्मार्ट हमारे जो एक्टिविटीज या ओवरऑल चीजों तो सो लाइक अदर थिंग्स yes we should devise some smart actions some smart overall management processes for this proposal thing also otherwise isme iske hamare smartness mein kya hua ki we should have an internal library of required documentation उसके अंदर अंडर दैट कैटलॉग्स और अंडर दैट हेडिंग्स वी शुड हैव क्योंकि ये रोज का काम है इट्स नॉट एन वन डे प्रोसेस जब हमें पता है कि लाइक कि इसके अंदर हमें चाहिए क्या है कि हमें कंपनी या फर्म की इंफॉर्मेशन है तो यस इन आवर स्मॉल लाइब्रेरी या स्मॉल जो प्रपोजल सेक्शन की जो वो है उसके अंदर we should have a ready available information up to updated information it's not that outdated it should be an updated information for all regarding companies information contact addresses company ke jo directors hain ya unke jo all data related to the things should be readily available in my system as an the things it should not be a
Now the things that we should have a hard copy for those stuff as well as soft copy, because now everything is moving towards a soft thing. So yes, we should have a digital library. It's a concept of a digital library. So हमारा जो ये digital library या digital formation of data should be managed by all these things. So ये जितना भी हमारा है इसके अंदर कंपनी का रिलेशन इंफॉर्मेशन है वो उसके एक हमारे डिवीजन के अंदर एक अलग से प्रॉपरली इसका डेटाबेस हार्ड का भी और सॉफ्ट का रेडिली अवेलेबल हो, ताकि ऐसा ना हो कि हम ऑब्वियसली समटाइम्स देयर इज अ वेरी शॉर्ट टाइम अवेलेबल फॉर कंप्लीशन और सबमिशन ऑफ ईओआई डॉक्यूमेंट. So yes, we should have all readily handy accessible information for my this thing. So all these documents should be systematically maintained by the VN and that particularly staff should be responsible for access of this thing and for maintaining all the required documents. तो इस चीज को ये वाला हम करते हैं. तो ये फिर हम मतलब मैंने कहा इसके जैसे ये यूआई उसके वाला था, इसमें जो दो दो चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं इसको मेरे ख्याल है हमें करना चाहिए. नंबर वन कि जो डेटा शीट्स हैं लिस्ट ऑफ जो हमारे कंप्लीटेड वर्क्स हैं, जाहिर बात है मेरा डिवीजन जिन टाइप ऑफ असाइनमेंट्स में involved है, I should have a complete record of my similar assignments data sheets और उस उन sheets को वो updated होना उसको उसका मेरे पास record हो. Number दूसरी चीज ये है और it's a really इसके there's a lot many works to do for this thing कि इसमें मैंने मेरे पास सीवी जो है ना वो मेरा जो स्टाफ है, खासतौर पे जब हम स्टाफ की बात करते हैं तो स्टाफ को अगर मैं कैटेगराइज करूं तो स्टाफ को इजीली जो हमारी डिवीजन बनती है इन टर्म्स ऑफ मैं डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रपोजल में बात कर रहा हूं. ये जो डेजिग्नेशन है ये हमारे यहाँ यूज हो रहे हैं, ये वाइस प्रेजिडेंट है, ये GM है, ये चीफ इंजीनियर है, ये ग्रेड 12 है, ग्रेड 13 है, ग्रेड 11 है, 9 है, ये स्टाफ ये वाले हमारे फॉर रिकॉग्निशन ऑफ माय नेस्पा कंपनी. अदरवाइज जो प्रोजेक्ट की रिकॉग्निशन में ये स्टाफ नहीं आता. तो यस वी शुड हैव ए लिस्ट ऑफ स्टाफ, उसको थोड़ा सा ये मेंटेन करने के कि मेरे पास प्रोजेक्ट मैनेजर्स कितने हैं, मेरे पास जो सी आर ईज जो हैं वो कितने हैं, मेरे पास आर ई कितने हैं, मेरे पास ए आर ईज कितने हैं. तो अंडर दैट डेजिग्नेशन मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर या कॉन्ट्रैक्ट स्पेशलिस्ट कितने हैं, क्लेम के कितने हैं, प्लानिंग के कितने लोग हैं. तो अंडर दैट वेरियस सब हेड्स I think all divisions should maintain their HR. It's there should be a sub section of that one. ये ये that is a फ़ासम मेरी WR का W and A का जो HR जो है ना वो उसमें आएगा कि मेरे पास कितना staff है, उस staff की क्या categories हैं और वो उसका obviously ये तो फिर अब जितना भी अच्छा को किया जाए उतना ज्यादा बेहतर है. स्टाफ की कैटेगरीज आ जाए, क्या उसकी एजुकेशन है, ब्रीफ उसका एक आ जाए किस प्रोजेक्ट पे काम किया. तो दैट जो लिस्ट होगी कि ये मेरे पास प्रोबेबल या जो एक ऑप्टिमिस्टिक हमारे जो वो लोग हैं कि ये इसके असाइनमेंट को या इस टाइटल को फिट इन हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अंडर द टाइटल ऑफ द टीम लीडर या प्रोजेक्ट मैनेजर मेरे पास कितने लोग हैं कि जिन लोगों ने ये रिक्वायर्ड
में काम किया. ऑब्वियसली ये फॉर एग्जांपल टीम लीडर इज द टॉप मोस्ट इन द व्हेन वी से के ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या प्रोजेक्ट के टॉप मोस्ट ये नॉमिनेटेड या टीम लीडर होता है या प्रोजेक्ट मैनेजर होता है. तो मैं देखूं कि मेरे पास कितने लोग हैं जो इस चीज को इस टाइटल को क्वालिफाई करते हैं. तो ऑब्वियसली ये हमने देखने के कुछ मतलब पहली चीज जो जिस पे मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ बीइंग एन एसपाक और एसपाक के डिवीजन हमारा जो मेरा मकसद ये आपके साथ या इस चीजों का शेयर करना क्योंकि ये जो प्रोसेस को अगर मैं जनरली बात करूँ कि वो एवरीडे प्रोसेस दैट इज एन एवरीडे प्रोसेस कि हर डिवीजन और हर डिवीजन में से लोग जो है ना इस नॉमिनेशन आरएफपी इज ए नॉट न्यू थिंग फॉर यू पीपल यूआई इज ए नॉट न्यू थिंग फॉर यू पीपल. अब जब ये उनके तहत बात करता हूँ मेरा मकसद सिर्फ ये था कि ये शेयर करना कि इसको हम ऑर्डिनरी ना लें कि ये एक नहीं है. अब हम इसको कैसे है इसको स्मार्ट कैसे कर सकते हैं अपने एक्शंस को अपने डेटा को अपने डेटाबेस को अपनी चीज़ों को. सिर्फ मकसद जो इन चीज़ों का था कि ओवरऑल इसको भी हम किस हद तक एक सिस्टमेटिक बनाएं कि हम एक अच्छे अंदाज में अपनी जो ये एक्टिविटी है ये प्रपोजल प्रिपरेशन की प्रपोजल उसकी उसको हम बेहतर तरीके से उसको अदा कर सके. तो मेरा अब उसमें ये था कि जो सीवीज हैं की स्टाफ के नंबर वन अपडेटेड होने चाहिए तमाम स्टाफ के. जब मैं की स्टाफ बात करता हूँ तो की स्टाफ से मेरा नॉर्मली सीनियर स्टाफ है जो अगर एनएसपाक के डोमेन में आता है तो वो आप कह लें ग्रेड 12 ग्रेड 11 नॉर्मली मतलब की होता है. आजकल तो खैर जो अब क्लाइंट कहा गया तो हमारे जो उसमें आ जाते हैं ग्रेड 10 के जो सीलिंग के लोग हैं या ग्रेड 10 के जो मिडल से ऊपर चले गए दैट में आल्सो कम अंडर दैट की स्टाफ. तो इसका जो मेन इसको रिएट्रेट या रीएम्फेसाइज मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये हमारा सीवी फॉर्मेशन सीवी अपडेशन सीवी के ऊपर मेन हमारा फोकस होना चाहिए. हर डिवीजन में इस चीज़ को लेना चाहिए कि मेरे जो ये वाला स्टाफ हैं इनके जो सीवीज हैं वो अपडेट होना चाहिए. और दूसरी बात यह है कि इनकी जो लिस्ट है सीवी की वो अकॉर्डिंग टू देयर नॉट देयर नेस्पाक डेजिग्नेशन देयर स्पेशलिटी जो उसकी अपनी स्पेशलिटी है उसके हिसाब से इसकी एक डिवीजन होनी चाहिए. फिर ऑब्वियसली हमारे पास ये होना चाहिए कि जी स्टाफ रिक्वायरमेंट और स्टाफ डिप्लॉयमेंट का एक मेकानिज्म हो कि डिवीजन में हमें पता हो कि जी ये नंबर ऑफ स्टाफ मेरे पास अवेलेबल है फॉर डिप्लॉयमेंट और या ये स्टाफ या ये इंफॉर्मेशन there should be an exchange of this information of staff that okay from future. For example, एक terminology हम use करते थे जब construction contract में और that is from consultant contractor side की तरफ आता था that is called 2 months look ahead plan. इसका मतलब ये होता था कि consultant ने contractor ने हमें ये इंफॉर्मेशन देनी है कि अगले 2 महीने के अंदर उसने क्या काम करना है किन एक्टिविटीज पे काम करना है. वो क्यों ये इंफॉर्मेशन मुझे क्यों चाहिए होती है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर. वो इसलिए होती है कि इसके कमेंसरेट मैंने अपना जो है स्टाफ वो अरेंज करना होता है कि ओके कंट्रैक्टर इज गोइंग टू स्टार्ट विद दीज एक्टिविटी. ऑब्वियसली दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट 2 months इज अ पार्ट ऑफ ए बिगर जो मेरा प्लान है जो बिगर मैंने जो कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम उसके साथ अप्रूव्ड किया हुआ है वो ये 2 महीने उसी में से होंगे और ये नहीं हो सकता कि इन 2 महीनों का प्रोग्राम उसको मैच ना करे. ऑब्वियसली वो उसको फिल्टर करने के बाद उन एक्टिविटीज़ को वो कंट्रेक्टर मुझे सबमिट कराता था दैट इज़ अंडर द टाइटल ऑफ हम कहते हैं 2 months लुक अहेड प्लान. इसी तरह यस आवर लोकल मैंने कहा ना डिविजनल लेवल पे जो एचआर है
डिवीजनल लेवल पे जो हमारा जो इसकी जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट वर्सेस डिप्लॉयमेंट, नाउ व्हाट इज द थिंग्स, स्टाफ रिक्वायरमेंट वर्सेस डिप्लॉयमेंट. अब स्टाफ रिक्वायरमेंट ट्रिगर्ड फ्रॉम माई फील्ड फॉर्मेशन, कि मेरी फील्ड फॉर्मेशन ने मुझे कहा कि जी मुझे ये स्टाफ रिक्वायरमेंट है, ये टाइप ऑफ स्टाफ है, ये मुझे ये चाहिए ना. और ऑब्वियसली आई हैव टू फुलफिल दोज रिक्वायरमेंट्स को, मेरे जो फील्ड से मेरी रिक्वायरमेंट आई है, तो मुझे देखना है कि जी ये स्टाफ जो है ना, मैंने उनको स्टाफ अरेंज करूँ ना. सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जी अपने जो सिस्टम है, मेरे जो मेरा अवेलेबल स्टाफ है, या जिसको आजकल कहा जाता है कि आइडल स्टाफ है, वो एक उसमें ये जो कैटेगरी मौजूद है कि नहीं है. अगर उसमें से नहीं है तो देन आई हैव टू सी फ्रॉम अदर डिविजन्स के, ठीक है, मेरे पास तो इवन मैंने आई हैव गॉन थ्रू माय आइडल स्टाफ, बट आई कुड नॉट फाइंड दैट रिक्वायर्ड स्पेशलिटी फॉर रिक्वायर्ड थिंग्स, देन आई हैव टू सी और सीक हेल्प from my other divisions to see whether or not this specialty is available with them. उनके तरफ में जाता हूँ और फिर उनके साथ. खैर ये अब चूंकि थोड़ा सा आपके साथ शेयरिंग का मकसद ये था कि ये it's not an routine things कि मैं आपको जो ये किताबी बातें हैं सिर्फ वो ही आपके साथ करूँगा, तो उसके अंदर तो वो तो जाहिर है आप फिर ये आ जाता है कि ठीक है ये तो किताब थी, किताब में भी लिखा हुआ था फलाम उसके तहत था. मकसद ये था कि आपके साथ कुछ शेयरिंग करना कि जो हाँ जो प्रैक्टिकली एस्पेक्ट्स हैं इसके वो क्या हों, और हम अपने सिस्टम में इसको कैसे फिट इन कर सकते हैं, और अपने सिस्टम को कैसे इसका बना सकते हैं कि ये हमारी वर्किंग बेहतर हो सके और हमारा ये इसके साथ सिस्टम को हम इसको फॉलो कर सकें. ये कुछ वही इंफॉर्मेशन थी कि इसको हम मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है इसकी स्टाफ की, एनटीएन की, कंपनी के, ऑल दिस थिंग्स. ये फ्रॉम टाइम टू टाइम जैसे बीडीडी की तरफ से इंफॉर्मेशन आती है, वी शुड हैव एन फाइल सेपरेट थिंग्स सेपरेट फोल्डर्स फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल फॉर जस्ट कंपाइलेशन, और उसके तहत मैं इसको सारा ये मेरे पास मौजूद होना चाहिए. फिर इस सारे के बाद आखिर में मेरे ख्याल में इस चीज़ को ये थोड़ा सा होना चाहिए कि जी ये मेरा जो डॉक्यूमेंट है या ईओआई जो बना है, आई शुड हैव ए सिस्टम, और ऑब्वियसली नेस्पाक एमएनक्यूसी और उनकी टाइम टू टाइम एक मुख्तलिफ गाइडलाइंस भी हैं और उनके मुख्तलिफ वो भी हैं, और दैट इज़ ए रिक्वायरमेंट के भी हर चीज़, हर डिलीवरेबल, हर डॉक्यूमेंट जो मैं नेस्पाक प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज़ गोइंग टू बी सबमिटेड आउटसाइड द नेस्पाक, जो कि नेस्पाक से बाहर हम भेज रहे हैं उसको हम प्रॉपरली इसका क्यू ए क्यू सी जो है ना इंटरनली हमारा वो हो, और ताकि एक दैट इज इंटरनली हम इसकी क्वालिटी को अश्योर कर सकें और उसका क्वालिटी कंट्रोल को बेहतर बना सकें. ये सारा सिस्टम इसका करने के बाद कि मेरा यहाँ क्यू ए क्यू सी भी हो गया और सारा हो गया. सबसे पहली बात जो इस अमल में आया ये कैसे था, हमारे पास वी शुड हैव एन टारगेट डेट के भी ये जो मेरा मुकम्मल करने का है, तो वी शुड हैव कीप एन एम्पल टाइम फॉर दिस क्यू ए क्यू सी. ये ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर लगाए, नॉर्मली होता ही है कि वो बाकी चीज़ें करते करते. अच्छा, इसके अंदर हमने वो शिपमेंट टाइम यानी डिलीवरी टाइम, चाहे वो अगर विद इन द सिटी है, सेम सिटी है, तो वो भी तब भी एक शिपर तो जाएगा ना, मतलब यहाँ से नेस्पाक हाउस से फॉर एग्जांपल अगर इरिगेशन सेक्रेटेरिएट में कोई मैंने सबमिशन करानी है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ टाइम लैग फ्रॉम नेस्पाक हाउस टू दैट इरिगेशन ऑफिस सिचुएटेड इन अनारकली फ्रॉम हियर. ऑब्वियसली देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर फ्रॉम हियर
approximately. That's an estimated. And there's a likelihood of some traffic jam, traffic congestion, other things. So I should have keep in mind for this shipping time too. तो मेरे जहन में ये भी हो कि मैंने ये कराना है, शिपिंग टाइम भी है और ऑब्वियसली इसका मार्जिन फिर क्योंकि ये मैं थोड़ा सा इसके एम्फेसाइज दूं कि दिस इज ऑल ए टाइम बाउंड एक्टिविटी. इसके अंदर ये वंस स्लिप्ड बाय माय ओन रीजन, रीजन इज विच एवर द रीजन, आई मस्ट नॉट, there is absolutely no consideration from the client that until unless there's a some force majeure. I think that is an a biggest catastrophic, you must say that is a koi bahut hi earthquake aa gaya, wo to god forbid wo to ek ho sakta hai, but that is an exceptional case. Otherwise mere paas there's no excuse फॉर मी के वहाँ तो एक जुलूस निकला हुआ था जी, मैं क्या करूँ और ये रास्ते में मेरा बंदा स्ट्रक अप हो गया. नो नो वे, दैट इज अ नो प्लॉजिबल रीजन फॉर मी, फॉर माय पर्सन जस्ट टू हैविंग एन एक्सक्यूज फॉर अ डिले इन सबमिशन. ओके, नो नो नॉट एट ऑल. सो वंस डिलेड ऑब्वियसली like an thing that justice delayed is a justice denied. It means that if we delay by that submission time, that okay, there's a denial from the client. Okay, gentlemen, thank you very much. Your submission is now returned unopened, no action from the client side. Okay, कि भी मैं इसके ऊपर कोई action नहीं लेता, आप इसको हम वापस ले जाएं. तो ये एक ओवरऑल था जो सारा ऑल दिस थिंग्स के हाउ कैन वी मैनेज आवर सिस्टम्स, मैनेज आवर डॉक्यूमेंटेशन, मैनेज आवर एक्शंस रिगार्डिंग दिस प्रिपरेशन ऑफ ईओआई और ईओआई सबमिशन. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन, व्हाट आर द दोस थिंग्स व्हिच शुड बी केप्ट इन माइंड फॉर ए quick and smart compilation of the things. And obviously over and above everything, every document from here should be properly checked, rechecked for final submission to outside. That is our product, that is the NESPA product. So even मैं समझता हूँ कि इसको अगर आपने एक final bind भी हो गई है तो इसको have a look to that one. Somebody should have a look. Okay, कोई पेज तो नहीं इसके अंदर उल्टा तो नहीं लग गया, कोई पेज इसके अंदर उसकी नहीं है, तरतीब तो ठीक है. तो ये एक इवन ये एक क्यों है किसी का, ये हरगिज मतलब नहीं है कि जी उसकी मैंने जो इसके अंदर टेक्स्ट है या इसके अंदर जो स्टफ है इसकी क्यों है किसी करने. नो, मैंने ओवरऑल इसकी प्रेजेंटेशन की भी क्यों है किसी करनी, मैंने ओवरऑल अपने जो है एक, अगर इसकी बाइंडिंग प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर रिंग उसका नहीं है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं है, सो माय डॉक्यूमेंट शुड बी प्रॉपरली बाउंड फॉर्म, प्रॉपरली रिव्यूड फॉर द पर्पस ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन. एवरी पेज इन ऑर्डर है, my document is in order and everything is in order. So this is the overall things for my that will complete now my EOI things and EOI all requirements. So up to that now there's a, I think the repeat that after having information from VDD, then come up with the joint venture, then come up with all the steps involved in the documentation. But I have just repeat or reiterate that things that we should have an staff for these things. It's not an some staff or so disinterested. Obviously, disinterest is a very bad word, and
our staff should not feel that okay it is an नॉर्मली हमें ये होता है कि ये जो प्रपोजल है ये तो बस वैसे ही है, इसका क्या है, इसकी अहमियत है। आप देखें, बात ये आती है कि ये एक की है मेरे बिजनेस की है, चाबी है मेरे बिजनेस की। अगर मुझे ये बिजनेस ही ना मिला तो ये सारा का सारा निज़ाम जो मैं आगे की बात करेंगे, जो बिजनेस ही ना होगा तो वो इस तरह दुकान है, दुकान के अंदर माल ही नहीं है मेरी दुकान में, तो मैंने उसको क्या खरीदो फरोख्त क्या करनी है मेरे। तो इट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग दैट हमें इस चीज को इसकी इम्पोर्टेंस को जरा समझना चाहिए। ये मैं थोड़ा सा जरा आपने जो मेरे साथी हैं, मेरे कलीग्स हैं, जो जूनियर कलीग्स हैं, उनको एक बात मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरे एक बॉस थे, उन्होंने कहा था कि किसी भी जो असाइनमेंट, किसी भी जो टास्क है, विच एवर टास्क फ्रॉम योर सीनियर, आपने उसको हल्का या उसको ऑर्डिनरीली नहीं लेना। इवन इफ कि ये टास्क अगर फाइलिंग का है तो तब भी उसको आपने इतना आसान नहीं समझना, उसको उसकी ड्यू जो कंसिडरेशन है, उसकी जो ड्यू आपकी in maintaining that file should be आपको नजर आनी चाहिए। ऐसा ना हो उसके पेजल नहीं, अगर आप उसको और बेहतर कर सकें, उस फाइल के ऊपर एक टॉप पेज लगाएं जिसके अंदर उसका उसकी लॉगिंग हो, उसका कंटेंट्स हो, हर फाइल के एक अपना उसका नंबर आप एलोकेट कर दें, उसका टॉप के ऊपर वो पेज पड़ा हो, और फिर उसके ऊपर बाहर फाइल के ऊपर लिखा हो कि ये इस तारीख से इस तारीख तक या इस लेटर नंबर से इस लेटर, तो जो भी चीज़ है उसको हम प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में करें, और बाय यूजिंग बेसिक जो कॉमन सेंस और बेसिक जो कंसिडरेशन है उसको अप्लाई करते हुए जब हम करेंगे चीज़ों को, तो ऑब्वियसली चीज़ें भी बेहतर होंगी और उसके नतायज भी इंशाल्लाह जो है ना बेहतर तरीके से आएंगे। जाहिर बात है जब हम मतलब ये हमारा सिस्टम के तहत ही जब एक हम चीज़ों को लाएंगे तो वो उसी में था। जैसे मैंने कहा कि हमारे नॉर्मली जो आ रहते हैं कि हम किस के जो टाइप ऑफ आपके लिए प्रोक्योरमेंट को जो असाइनमेंट्स हैं, जर्नली हमारी हैं QCBS, आम उसमें कह रहे हैं QCBS स्टैंड फॉर quality and cost based selection. So it is a blend of the two things. One is a technical proposal, the other is the financial proposal. ye aage thoda sa hum chalte hain to uske andar hum aapke sath share karenge ki kuch uske andar kaise tha. This is from the client side that okay which ever is the iska weightage kya hona chahiye, क्वालिटी का क्या वेटेज होना चाहिए और कॉस्ट का क्या वेटेज होना चाहिए। जनरली इट इज नाउ 80-20, हम कहते हैं 80% जो है ना वो टेक्निकल बेस्ड होता है, 20% इज असाइंड टू द फाइनेंशियल। तो बट अगेन कुछ इसमें भी अहम काम है तो उसमें 90-10 भी हो जाता है कि 90% जो है ना क्वालिटी बेस्ड है और 10% इसकी हमारे फाइनेंशियल प्रपोजल को एसोसिएटेड विद दैट वन हो जाता है। तो फिर उसमें हम देख लेते हैं कि उसको हमने फिर प्रोपोर्शनेटली उसकी क्या डिवीजन है, उसके अंदर कितने टेक्निकल आया, उसमें कैसे नंबर्स को कैसे फर्दर डिवाइड किया हुआ है, और उसमें फर्दर डिवाइड करने के बाद उसकी वेटेजेस ले लेते हैं, फिर देन फाइनेंशियल की भी वेटेज लेकर और फिर उसको एक कंबाइंड फॉर्म में ले आते हैं, और देन इट्स रेटिंग और रैंकिंग ऑफ द कंसल्टेंट। तो जो टॉप रैंकिंग जो द कंपनी द फर्म और द ग्रुप और द जेवी और कंसोर्शियम विच एवर में से हैविंग मोर numbers, acquiring more numbers is rated as number one, and that is will be entitled for contract
offer or negotiation, and after going through that negotiation, then come up with the signing of the consultancy agreement for just commencement of that services under that. So this is all QCBS का था. बहुत कम assignments ऐसी होती हैं जो QBS के ऊपर करते हैं, that is called quality based selection है. Quality based selection, that is very कम assignments हैं जो इसको quality based या बहुत complicated हमारे जो assignments हो, जो that is not day to day, that is और जो उसकी जो specialties हैं उनको conduct करने की, उनको तैयार करने की, वो हमारे पास इजीली अवेलेबल ना हो, तो फिर अब इसलिए हम उसको क्वालिटी इज द मेन थिंग. अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन में फाइनेंशियल इज नॉट हैविंग एनी वेटेज. सो क्वालिटी और टेक्निकल प्रपोजल इज द ओनली क्राइटेरिया और ओनली थिंग, एंड द फर्म हैविंग मैक्सिमम क्वालिटी नंबर्स, so that will be given opportunity for this financial proposal. Obviously financial proposal uske mein le to wo pehle hi lete hain, ye nahi hai to ki uske baad mein lete hain. Jab unhone technical jama karayi to usi waqt le le, but their weightages are their financial things, it is not that के उसको कहीं वेटेज लगाने के बाद या उसको फिर हम उसको वो कम कर दिया जाएगा या उसकी सम ये जिस तरह मैंने कहा कि 80-20 या उस दैट वेटेज इज डिवाइडेड समथिंग, वो इसमें ऐसा नहीं है कि ये जो है ना मतलब उसके तहत तो कोई दिया गया ना. फिर वेरी स्मॉल असाइनमेंट्स में आता है कि जी क्लाइंट के पास एक छोटी असाइनमेंट है, छोटा बजट है, तो उसके तहत वो अपना वो भी एक है, बट दैट इज मोस्टली आवर असाइनमेंट इज बेस्ड ऑन QCBS, बट सम स्मॉल जो चीज़ें हैं वो क्वालिटी बेस्ड कॉम्प्लिकेटेड और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड असाइनमेंट्स दैट इज QBS, plus small budget, small works like M&R maintenance and repair वगैरह के अगर काम है उसमें fixed budget selection में भी उसको कर सकते हैं. Least cost selection is also मतलब method की जी ठीक है, ये हमारा था, लेकिन इसमें से हमने एवेल्यूशन करने के बाद अब जिसकी यानी ये लिस्ट कॉस्ट में आ जाते हैं कि ये जो भी फॉर्म उन्होंने एक थ्रेशोल्ड रख ली है, फॉर एग्जांपल 60 नंबर जो है ना मैक्सिमम, 60 के ऊपर चाहे वो 90 नंबर हो, चाहे 70 हो, चाहे 80 हो, वो सारे बराबर हो जाते हैं फिर ना, उसके बाद कोई नहीं है वो. हाँ, 60 से जो नीचे वाले हैं, यस दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर कंसिडरेशन ऑफ देयर फाइनेंशियल थिंग्स. तो 60 हैं या 70, कोई भी एक थ्रेशोल्ड रखने के बाद जो उस 70 को क्रॉस करने के बाद जो फर्म होगी उनके बाद उनकी जो फाइनेंशियल है दैट इज द लीस्ट जो है ना कॉस्ट. अब उनके बाद यानी जो 70 नंबर जिन जिन फर्मों ने लिए हैं उन फर्मों पर, 5 फर्में हैं तो उन 5 में से उनको वेटेजेस नहीं दी जाएंगे कि 70 में से एक 80 हैं, एक के 85 हैं, एक के 95 हैं, तो जो भी अगर 75 और 95 दोनों बराबर हो जाएंगे, 75 और 95 दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर सिर्फ जो उसके ने ऑफर किया है वो वही उसके साथ ही गिना जाएगा. ये अगला भी ये जो CQS कंसल्टेंट क्वालिफिकेशन सिलेक्शन ये भी वो भी जिस तरह क्वालिटी वाला बेस था उसके ऊपर था. और फिर फाइनली हम देखते हैं वो सिंगल सोर्स सिलेक्शन का, मतलब ये कि जैसे मैंने कहा कि हमारा जो है नेस्पाक में मतलब थी कि कोई ऐसी असाइनमेंट ऐसा जो क्लासिफाइड इदारा है जो नेस्पाक के साथ काम करना चाह रहा है, तो वो फिर सिर्फ असाइनमेंट्स को एज ए सिंगल सोर्स, या फिर हम वो कर सकते हैं कि ये एक इमरजेंट कंडीशंस, यस दिस इज अनदर
window for a single source selection ke liye emergency clause hai, emergency emergent conditions hain, to uske andar there is no time for a proper submission and proper evaluation of a consultancy process. So we need I think this single source selection. अब यहाँ हम जब ये सारे अमल को मुकम्मल किया तो ईओआई हमारी मुकम्मल होने हो गई. नंबर एक पहली बात तो ये आई कि ये क्लाइंट की तरफ से आया कि ये मेथड कौन सा होगा, ये इस ईओआई का प्रोसेस हमारा मुकम्मल हो गया. ये मेथड की जो नॉर्मली इंफॉर्मेशन है वो आरएफपी का डॉक्यूमेंट, आरएफपी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल. तो आरएफपी का जो डॉक्यूमेंट है वो हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ये आरएफपी जो है ना किस बेस्ड के ऊपर आई है. तो फिर अगर हम इसकी फर्दर अगर डिवीजन करें तो एक टाइम बेस्ड हमारा असाइनमेंट्स होती हैं और दूसरी लमसम असाइनमेंट. जाहिर बात है जो एक छोटा काम है और उसके अंदर हम उसको टाइम को और उसकी इनपुट्स को कैटेगोरिकली सेपरेट नहीं कर सकते, इसको अलग-अलग अगर नहीं कर सकते तो फिर हम वो क्लाइंट कहते हैं ठीक है आप मुझे ये वाले बेस्ड ऑन सम डिलीवरेबल सबमिशन के ऊपर परसेंटेज पेमेंट्स को माइलस्टोन तय हो जाते हैं कि ये माइलस्टोन जमा कराएंगे तो इतनी परसेंटेज में आपको रिलीज कर दूंगा और फिर ये दूसरा माइलस्टोन जमा कराएंगे. तो दैट इज कॉल्ड ए लमसम बेस्ड कंसल्टेंसी एग्रीमेंट. नॉर्मली जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कंस्ट्रक्शन के या फिजिबिलिटी या डिटेल डिजाइन के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे टाइम बेस्ड होते हैं. हम वो प्रॉपरली एक्सपर्ट्स का एज पर एक्चुअल टाइम इनपुट दरकार होती है. दैट इज उसके भी दो पार्ट हमारे होते हैं, एक दैट इज कॉल्ड सैलरी कॉस्ट और रिन्यूमरेशन कॉस्ट, और जो दूसरा पार्ट आता है डेट कॉस्ट रिइंबर्सेबल कॉस्ट. ये खैर जब हम आगे चलेंगे उसका जो फाइनेंशियल पार्ट आएगा या फाइनेंशियल उसके अंदर हमारी क्या कंसिडरेशन. बुनियादी तौर पर ये सारा मकसद सिर्फ ये था कि जो हम अपना जो सिस्टम है उसको हम देखेंगे और उसको किस कितना हमारा एफिशिएंट हम उसको बना सकें, कितना हम उसको स्मार्ट बना सकते हैं कि ये हम जो एवरी चेंजिंग जो चैलेंजिंग और कॉम्पिटिटिव हमारा जो एनवायरनमेंट है उस को थ्रू करते हुए जॉब एक्विजिशन को लेना दैट इज ए मोर चैलेंजिंग फॉर अस और जो इसके साथ आने का. जब आपके यहाँ तक हमने देखा कि हमने ये सारा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया साथ साथ ईवाई का हुआ. अब ईवाई में जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं नाउ द क्लाइंट विल इशू एलओआई लेटर ऑफ इनविटेशन. The client will issue LOI to only those shortlisted firms. तो उसके अलावा को वो बाकी RFP नहीं issue करेगा. हाँ information अलबत्ता ज़रूर उन तक पहुँचा दी जाएगी कि okay yes after conducting this assignment okay sorry I regret from the client that okay you are not qualified for this. Assignment things. So, जो हमें फिर RFP इधर हार्ड फॉर्म में आ जाता है या नॉर्मली आजकल जो है ना वो PDF में फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड वेब एड्रेस बेस पे जो है ना वो है कि जिसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. तो whichever the case, but again we have successful in shortlisting. We have a letter of invitation from that one, and now we downloaded that document that is called RFP request for proposal. ये document क्या है, ये क्या information देता है, इसके अंदर बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ section दिए हुए हैं. पहला section
इंस्ट्रक्शन टू कंसल्टेंट्स का आते हैं कि भी मतलब जो ये बिड को भरने के लिए क्या हदायत अंदर का रहे हैं और क्या चीजें अंदर का रहे हैं, तो ताकि ये वो ये भी प्रपोजल को सबमिट कर सके। फिर इसके अपने फॉर्म्स आ जाते हैं कि ये मुकम्मल करने के लिए जो हमारे हैं वो कितने फॉर्म्स हैं, वो फॉर्म्स को सबमिशन की क्या रिक्वायरमेंट्स है। और फिर ऑब्वियसली एक बड़ी इम्पोर्टेंट इसके अंदर वो है, दैट इज कॉल्ड TOR। TOR वो ये वो इंफॉर्मेशन है जो मुझे मेरा स्कोप बताती है कंसल्टेंट का, टू बी हायर्ड बाय दैट वन, कि मेरा जो है मतलब कंसल्टेंसी को मतलब मैं फ्रॉम क्लाइंट साइड किस किस स्कोप ऑफ वर्क क्या है, ये स्कोप को करने के लिए जो टीम कंपोजिशन है वो बताई जाती है कि दी। मैं अब मैं सिर्फ टाइम बेस्ड की बात कर रहा हूँ, अगर असाइनमेंट्स का है ऑब्वियसली और लमसम भी तो थोड़ी सी TOR तो उसके अंदर भी होंगी, जाहिर है उसके बगैर वो मुझे कैसे इसको मैं मुकम्मल कर सकूंगा। तो फिर इसके मुख्तलिफ फॉर्म्स दिए होते हैं और वो उसको ये ओवरऑल एक जनरल लेआउट फॉर द RFP डॉक्यूमेंट ये वाला दिया हुआ है ना। अब इसलिए ये इसका मकसद ये था कि ये जो है अब मैंने एक फुल टेक्निकल प्रपोजल बनानी है और फुल टेक्निकल प्रपोजल के लिए जो है ना मतलब अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि अब जैसे हमारे पास LOI आया तो उसके अंदर हमें वो क्लाइंट की तरफ से आता है कि ये सबसे पहले तो आप मुझे कंफर्म कर देना क्या कंफर्मेशन की दी वेदर आर नॉट यू आर गोइंग टू for submission of this RFP document. पहले बात है yes within that prescribed time I have to send that my consent that okay yes thank you very much my client we are going to submit the RFP document with as per requirement उसके अंदर जो requirement है मैं yes I am going to that one। फिर दूसरी उसके अंदर अगर आते हैं कि ठीक है एट दिस स्टेज क्या आप समझते हैं, अगर ये भी फिर उसके अंदर अलाव की बात आती है कि जी कोई सब कंसल्टेंसी में आप कोई क्योंकि अगर तो मतलब सोल शॉर्टलिस्ट हुए हैं तब अगर हम इस स्टेज के ऊपर ये कहें कि जी ठीक है जी मुझे मैंने फील किया कि जी ये एक सब कंसल्टेंट अगर मैं रख लूँ तो मेरे लिए आसान होगा कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सपर्टीज में इस सब कंसल्टेंसी से ले सकता हूँ, तो दैट इज अ मोर एडिटिव जस्ट टू हैविंग दैट स्टाफ दैट टाइप ऑफ स्टाफ फ्रॉम दैट कंपनी, सो इट विल बी मोर बेनिफिशियल इन रेंडरिंग माय कंसल्टेंसी सर्विसेज इन फ्यूचर, दैट विल ऑगमेंट माय रिसोर्सेज फॉर दैट वन। सो After having that information, so I have to just inform the client that okay, one thing is I am going to submit my document, my RFP document. One thing, obviously within that stipulated time period, it's not an open one. Please, एक बात को जरा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी चीज overall जो contract management mein one thing is the very important, that is the time management, that is the decision or the action that is not open, that is not unbound, that is associated with some time frame and aur isko main mere khayal mein we should not limit it to some contract assignment or some official assignment, it is also very necessary in our private life that okay whichever is the thing that we should take care of time my time that okay we should not waste my time, that is a very very important thing that okay we have to plan how to utilize again fully utilize I have to accountability of that my time okay what was the
my list of the activities, things to do today, and what is the outcome of that one? Would I succeed that list as per my plan or not? And if not, why? What are the reasons for my failure? Okay, that is if one thing is okay, that is a list is too wrongly anticipated by me, that I have just diverted and wasted my time. So this is another thing that I have to respond one thing to in LOI to the client. That's yes, I am going to submit the my proposal within the time. Number two is whether or not I am going to associate with someone or the consultant just for the future signing. Okay, this is the first action after just receiving that thing, you may say RFP document. Then okay, I have to seek now in our NSPAC system. Then I have to just inform my BTD that okay, we are going just to for this proposal. This is the thing that okay, this is the proposal cost, what is the salary cost or number of persons that is anticipated to that one. So some cost associated with the printing, binding or dispatch expenditures for that one, that is called dead cost associated with that assignment. So okay, we have to just seek for a proposal number for from the BDD. Okay, that then after having some this information, BDD just issue a proposal number associated with that LOI. So now I receive from that BDD that okay, this is the thing. So the other thing is that I have to seek power of attorney just to sign the proposal from my management. Okay, that is from NSPAC top management is the office of the managing director. So I have to seek that from managing director, having some specific power of attorney to sign the proposal, not sign the agreement or sign the, these things. So this is in form of a letter from that one. So that letter is a very important part of our all downstream activities or the downstream things. So this is an overall say composition of the technical and financial proposal. Normally these are the tech 1, tech 2, tech 3, tech 4, tech 5 and tech 6. This is the part of the technical proposal. Then FIN means finance, financial. FIN 1, FIN 2, FIN 3, FIN 4. These are 4 FIN and 6 tech. These are the things, and okay, I have to prepare, I have to compose all these texts and fins for just compliance, for compilation of all my documents for this thing. So this is a very important, just to go through that document. Particularly one thing that I cannot prepare a good proposal. I have to assign first thing, yes, that after receiving all this information, I have to assign a proposal manager for that one. Okay, one thing ye main agar aapke sath share karun ke iske andar jo ये 6 टेक हैं और 4 फिन के फॉर्म में, तो एक तो इंफॉर्मेशन है जो दैट इज मतलब ब्रॉडरली अगर इसको करें दो पार्ट आगे,
एक है दैट इज कॉल्ड कमर्शियल पार्ट और कमर्शियल थिंग्स और फाइनेंशियल थिंग्स. दूसरा जो है पार्ट वो दैट इज पर्टिकुलरली पर्टेंस टू द टेक फोर. ऑब्वियसली टेक फोर, टेक फाइव और टेक सिक्स दीज आर इंटरलिंक्ड आर इंटर कनेक्शन इसके अंदर है. उसमें ये अप्रोच मेथोडोलॉजी और वर्क प्लान क्या होगा कि मेरी जो असाइनमेंट्स हैं मैंने मैं उसको कैसे हैंडल कैसे करूँगा कैसे उसके वो करें. इसके लिए सबसे पहली बात अच्छा अभी दूसरे हैं जो दूसरे टैक्स हैं या दूसरा जो हमारा वो एरिया है एक्सपर्टीज का उसको हम देखें तो हम मतलब सबसे पहला हमारा जो अमल आया कि हम हमने दो एक हुए एक आदमी जो मेरा प्रपोजल का रेगुलर स्टाफ है उस का अमल और उसमें उसने ये जनरल इंफॉर्मेशन है जनरल जो डेटा है ये जनरल चीज़ें हैं वो करनी है. प्लस अब हमने ये देखने कि अगर ये अगर वहीं उसी टीम में मुझे कोई एक्सपीरियंस मिल जाते हैं कि लोग तो मैं उसको प्रपोजल मैनेजर बना देता हूँ या फिर एक नॉर्मली एक एक्सपीरियंस आदमी जो कि रेलेवेंट हो इस असाइनमेंट से उसको मैं प्रपोजल बना दें. तो टेक फोर वेरी इंपॉर्टेंट. उसके लिए इस टेक फोर को मैं उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक मुझे मेरे जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है जो टी ओ आर है उसका ओवरऑल मैं उसको समझ नहीं पाता कि मेरी टी ओ आर क्या है. ओवरऑल सबसे पहले बात ये आई कि ए पर्सन आर ए प्रपोजल मैनेजर आई हैव आफ्टर नॉमिनेशन अभी सूटेबल आर अप्रोप्रिएट आर एक्सपीरियंस्ड प्रपोजल मैनेजर. So that proposal manager is should have an adequate experience for practical experience of conducting such an assignment in his professional career. So first thing is to overview of this TOR TOR में है क्या सुन. इसको एक थोड़ा सा ये ज़रा ध्यान में रखना चाहिए जो हमारे लोग या जो स्टाफ काम कर रहे हैं इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट हम अपनी उनको ग्रुपिंग कर लें कि जो हमारी टी ओ आर है जो हमारे फील्ड कंपोजिशन है जो लोग हैं इनको इनको ग्रुप कर लें कि ये जो हमारे आप कह लें लोग हैं टीम वन थिंग और इसके अगेंस्ट मैं एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज और ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर द टी ओ आर मेरी वो ओके जब हम इसको असाइन कर लेंगे तो फिर हमें एक अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या मेरी टीम एडिक्वेट है या नहीं टू कंडक्ट सच एन असाइनमेंट. If the team is not adequate, okay, then I have to see whichever the assignments or obligations are left, and that cannot be associated with this team. Obviously, मैंने सारा इसको देखा है. ऐसी obligation भी उन्होंने मेरे मुझ पे डाल दी जो जिसके लिए उन्होंने required staff ही नहीं दिया. Then I have to see after reviewing this thing. ओके ये एक स्टाफ नहीं है तो मैंने इसको लहदा से नोट कर लिया. इसको मैं क्या कैसे करूँगा मैं एक टेक थ्री है कमेंट्स ऑब्लिक सजेशन ऑन टी ओ आर तो मैं उसको इसके अंदर लिखूँगा. हाँ यहाँ मैंने कहा कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने फौरन इसको रिव्यू किया और रिव्यू जो है उसको करने के बाद मैंने इसको अगर मुझे इसका नहीं समझ आया अपॉर्चुनिटी कि मैं इसको क्लैरिफिकेशन अगर इफ आई रिक्वायर सम क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द क्लाइंट देन आई हैव टू हरिडली सी दैट ओके आई हैव टू कंसल्ट आई हैव टू अप्रोच टू द क्लाइंट फॉर a clarification
इसके अंदर जो मुख्तलिफ क्लैरिफिकेशन दरकार होंगी उसका भी एक टाइम लिमिट्स है। अगेन उसमें ये लिखा होता है कि ये क्लैरिफिकेशन शुड नॉट रीच बिफोर 15 डेज। नॉर्मली 15 डेज ऑफ द से जब हमारे सबमिशन टाइम है उसके अंदर अगर 15 दिन रह जाते हैं तो उसके बाद वो क्लैरिफिकेशन जो है ना वो क्लाइंट एंटरटेन नहीं करता। तो सबसे पहली बात तो आई कि सिलेक्शन ऑफ ए गुड प्रपोजल मैनेजर एक बात है, उसका प्रपोजल में जो रेलेवेंट पार्ट है टी ओ आर और टीम कंपोजिशन उसको पढ़ना जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन को असाइन करते हैं टीम कंपोजिशन के साथ कि जी ये टीम ने कौन कौन सी असाइनमेंट करनी है, तो जो लेफ्ट ओवर या जो स्टाफ नहीं रह जाता तो फिर हमने उसको क्लाइंट को आइडेंटिफाई करना है कि ओके जेंटलमैन आई एम गोइंग टू कंडक्ट आई एम फॉरबिड फॉर सबमिशन ऑफ दैट प्रपोजल गुड प्रपोजल बट that requires some clarification from your side and in order to just ease out my working please give me clarification on this submitted issues. I have to just write down all of my things that require some clarification to the client, so everything should be in clarity until unless I have the person or the proposal manager who is not having a good grasp of a TOR, good grasp of my things included in the RFP, then he cannot at all give us a good proposal. This is the thing, the general layout of the things, and now in other things I have to see how this can be accomplished in routine. Normally hamare ye aur aate ki jaise hamare aaya uske andar humne ye dekha ke mukhtalif humne isko conduct kiya aur इसमें एक छोटा सा मैं बताऊं कि ये हमारा हम जैसे हमारी डिवीजन को कोई इसमें आरएफपी आई तो हमने फिर देखा कि ये कुछ टास्क हैं वो जो दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद माय डिवीजन एंड एसोसिएटेड विद अदर डिवीजन, तो आई हैव टू सी ये मैंने इंफॉर्मेशन उनसे लेनी है, तो मैंने उनको रेफर किया कि यस आप प्लीज़ इसको ज़रा इसको विदिन दैट टाइम फ्रेम इसको जमा कराएं। मेरे ख्याल है इसके आज को हम यहाँ तक रख लेते हैं, इसको मेरे ख्याल एक मुझे अलहदा से थोड़ा सा और हमें करना पड़ेगा क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम भी शॉर्ट है और मैं पहले मदद खाऊँ आप पार्टिसिपेंट का कि पहले शेड्यूल 10 बजे का था और मेरे अब इसलिए जब एक जाहिर बात है कुछ ऐसे असाइनमेंट्स कुछ ऐसे चीज़ें आ जाते हैं जिसके अंदर वो मुझे खुद भी जो है वो अनशेड्यूल्ड सी होते हैं बट दैट इज़ इम्पोर्टेंट समथिंग फ्रॉम द क्लाइंट सम मीटिंग फ्रॉम द क्लाइंट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द थिंग्स तो वो उसमें नहीं है। मेरे ख्याल है अभी 4:15 हमारे हो चुके हैं तो आई मस्ट से दैट हम यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा क्लोज करते हैं, वी विल सी नेक्स्ट से कपल ऑफ डेज और नेक्स्ट सम वीक्स के अंदर एक अरेंजमेंट करेंगे कि वी विल जस्ट हैविंग फ्रॉम दिस साइड एंड ऑनवर्ड बुनियादी तौर पे क्या है अब अगला जो है वो दैट इज़ अ प्रैक्टिकल हम देखने के क्या स्टेप्स हैं हम उनमें वो क्या कंसिडरेशन है कि हम उनको उसकी ड्यू वेटेजेस दें तो वी विल कम अप विद ए गुड विनिंग प्रपोजल। उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं वो क्या कंसिडरेशन हमारी होनी चाहिए जो कि लैक करती हैं और जो हमारे और देखिए मेरी बात यही था कि जॉब एक्विजिशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसमें देखें। मैं आज इस बात को तो आई एम वेरी मच कन्विंस्ड के नेस्पाक जो फिनेंशियली दायरे हमारे बिलिंग रेट्स या हम कहें कि उसके वाले से हमारा
जो आस्किंग रेट है वो दैट इज मोर देन देन एन ऑर्डिनरी और नॉट आई मीन सिंपल अदर कंपटीटर व्हिच इज आई मीन लेस बट हियर अगेंस्ट अ कंपटीटर इन द फील्ड ऑफ करेंसी आई मस्ट से आई हैव consider each and every my competitors. It's not that I must ignore something. So, but again, लेकिन एक बात जो मुझे और मेरे मैं अपने colleagues के साथ ही share करना चाहता हूँ कि in any case ये तो कोई reason नहीं हो सकती कि मेरे competitors technically जो है NASPAC या NASPAC की जो formation of the JV उनसे ज्यादा technical number ले जाए. No way. This is that is not accepted because of since its inception, right from 1973 and up to that one, NASPAC have such a having rich experience for all types of mega projects, right from the dams, water sources, road network, airports, other things. So ये इसकी कोई वो नहीं हो सकता कि हमारे technical numbers कम हो. Yes, this is a thing that आजकल competition इतना हो गया financially लोग हैं. But again I must request HR Divyan to just with the consultation of some other day for a sequel to that today's presentation. Yes, so that we must continue for completion of my presentation. I'm sorry for that one that I'm in due to some shortage of time. We'll arrange another session of your topic in next month, inshallah. Yes, thank you. Sir, there is also a question if you can see in inbox. If I read it, then maybe you don't understand. It's a very detailed kind of question. If you can see it, okay, then I'll read it. Isko inbox mein, sir, chat mein. नदीम अख्तर साहब ने शेयर किया है. मैं इसको सर देखती हूं. आप बताइए प्लीज. Sometimes at the time of financial bid opening, client don't declare the technical evaluation or marks obtained by the technically qualified bidders. Are the client bound to declare the technical evaluation or marks or not before the opening of financial bid? Is there any instructions in PAPRA or PEC rules regarding the above issue, or it is client's own discretion? ये मैं बताऊं कि ये नदीम साहब हम RM कोटा की बात कर रहे हैं. हम यस सर जी हां. ये सिर्फ आजकल कोटा में ही हमने ये ऑब्जर्व किया है पाकिस्तान में कि क्लाइंट जो है वो उसके मतलब उसमें ये फाइनेंशियल खोल दे और टेक्निकल का स्कोर नहीं बताता. मेरा ख्याल है हमें इन राइटिंग जो है देखिए पहली बात तो ये है कि जो मेथड है वो RFP में हमें क्लियर हुआ. QCBS का मतलब ही है कि उसने बताया कि 80-20 होगा और उसका जो देखिए हर चीज का एक 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 ऑर्डर है सीक्वेंस ऑर्डर है. ये हो नहीं सकता कि 1-2-3 के बाद 6 आ जाए और फिर 4-5 फिर बाद में आए ना. ये नहीं हो सकता. नहीं तरतीब है हर चीज की ना. इसी तरह जो हमारी जो सेकंड स्टोरी है वो ग्राउंड फ्लोर बनेगा तो फर्स्ट फ्लोर बनेगा ना. ये नहीं हो सकता कि फर्स्ट फ्लोर सस्ता है तो इसको पहले बना दें और ग्राउंड फ्लोर को बाद में बना लें. ये ऐसा नहीं होता. तो यस वी शुड देयर इज नो सच थिंग. वी शुड रिकॉर्ड आवर कमेंट्स इन राइटिंग टू द क्लाइंट दैट ओके दिस इज द थिंग आई वी हैव ऑब्जर्व्ड this thing which is in violation of the thing. Please give us an explanation or the thing. Otherwise, this is I'm going to the for the grievance or other things. No,
तो मेरे ख्याल है इसको रिकॉर्ड नदीम साहब इसको रिकॉर्ड में हमें मतलब देयर इज नो हार्म इन दैट वन इफ वी सी इफ वी ऑब्जर्व a deviation in from the normal thing that we should record our observation through our writing to the client. Okay sir, thank you so much sir. There is no any other question. Thank you so much for your very valuable knowledge shared to us. Inshallah we will also arrange another topic, another session of this topic, like phase 2, as the, this is not as completed as we want to, that's why inshallah sir hum koshish karenge ki next mein bhi na hamara aa jaye further. Wo participants jinko slides chahiye wo hum unki request pe humko forward kar denge, kindly wo humse contact kar le, inko ye slides hum jo na wo share karwa denge. ये आप इसमें इस तरह कर सकते हैं कि जो कम से कम जिन लोगों ने आज मतलब किया है वो तो कम वो देख लें अगर उनकी अवेलेबिलिटी या इफ दे आर उसमें है, क्योंकि हम मतलब दैट इज ए पार्ट फ्रॉम हेयर, क्योंकि उसके बाद अगर कोई नए आते हैं ऑब्वियसली वो ठीक है कुछ स्टैंड अलोन मतलब कि जिन लोगों ने आज एवैल्यूएशन फॉर्म फिल किए हैं हम नेक्स्ट में उन्हीं को ही ये सेशन फर्दर दें, क्योंकि आप ओपन कर दें कुछ चीजें जो ओपन कर लें कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि जिन्होंने पहले नहीं अटेंड किया तो उनको आगे नहीं है वो कोई. अब मकसद ये है इसका कि सिर्फ हम उस पे ना रहें कि जो मेरे किताब में लिखा हुआ है मैं किताब से पढ़कर आपको सुना दूं, वो मकसद नहीं है. मकसद यहाँ पर ये है, नॉलेज है जो आप लोग आपने जो चीजें आई हैं जो हमें वो क्या होनी चाहिए कि हमारा जो प्रपोजल है उसकी वो एक 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 अच्छे अंदाज में जमा और एक विनिंग कॉम्बिनेशन में हम आ सके. दैट इज ऑल. Thank you so much. Inshallah, next.